नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI News पर। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। एक एक करके सभी बड़ी खबरें इसी वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों अब सभी बड़ी खबरें जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बोले, जाने वाली है बीजेपी की सरकार, आने वाली है कांग्रेस की सरकार। जी हां दोस्तों, उपचुनाव के बाद नहीं टिकेगी बीजेपी सरकार, 20 से 22 सीटें जीतने का किया दावा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मध्य प्रदेश की सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मीडिया से रूबरू हुए। कमलनाथ ने दावा किया कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को 20 से 22 सीटें मिलने जा रही हैं, क्योंकि जनता उसके साथ है। कमलनाथ ने इस बात का भी दावा किया है कि उपचुनाव के बाद यहां बीजेपी सरकार सत्ता में नहीं रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी के उन तमाम आरोपों का भी यहां पर जवाब दिया, जिसके जरिए बीजेपी उनकी सरकार जब सत्ता में थी उसको घेरने का काम किया करती थी। कमलनाथ ने कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए तत्कालीन सरकार ने कई बड़े कदम उठाए थे और यदि सरकार नहीं जाती तो कोरोना नियंत्रण को लेकर हम दूसरे प्रदेशों से काफी आगे होते। ये यहां पर तमाम बातें कही हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, और यहां पर किया है बड़ा दावा 20 से 22 सीटें जीतने का। क्योंकि आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कमलनाथ का कहना है कि जनता ने सब कुछ देखा है कि कैसे धन बल की राजनीति यहां पर जीती है बीजेपी ने, लालच देकर कैसे विधायकों को खरीदा और पार्टी से इस्तीफा दिलवाया और अपनी पार्टी में लालच देकर शामिल करवाया, ये सब कुछ जनता ने देखा है, इसका बदला जनता उपचुनाव में जरूर लेगी। ये यहां पर कहना है कमलनाथ का, और कहना है कि बीजेपी की सरकार जाने वाली है, एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार सत्ता में वापसी करेगी मध्य प्रदेश में। ये यहां पर कमलनाथ ने बड़ा दावा किया है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछा सवाल और किया जोरदार हमला, कहा किसके लिए पैसे हो रहे हैं इकट्ठा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि लॉकडाउन के दौरान किसानों और उद्योगों की कोई भी मदद नहीं की जा रही है, जिसके कारण छोटे उद्योगों के बंद होने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट का फायदा जनता को मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार बार बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर जनता को मिलने वाला सारा फायदा अपने सूटकेस में भर लेती है। गिरावट का फायदा जनता को मिल नहीं रहा है और जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उससे भी मजदूरों की, मध्यम वर्ग की, किसानों की और उद्योगों की कोई भी मदद नहीं हो रही है। आखिर सरकार पैसा इकट्ठा करके किसके लिए रख रही है? और यहां पर देख सकते हैं प्रियंका गांधी ने यह जोरदार हमला बोला है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, प्रियंका गांधी ने इससे पहले पीएम केयर्स फंड का सरकारी ऑडिट कराने की भी मांग की थी। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताएं, राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर साधा है निशाना। राहुल गांधी ने भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाने पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस से जारी लड़ाई हमारे करोड़ों भाइयों और बहनों के लिए गंभीर आर्थिक कठिनाई का कारण बन रही है। इस समय कीमतें कम करने के बजाय पेट्रोल और डीजल पर 10 से 13 रुपए प्रति लीटर कर बढ़ाने का सरकार का निर्णय अनुचित है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। ये यहां पर राहुल गांधी ने मांग की है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक साथ मिलकर जोरदार हमला किया है केंद्र की मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, एक निजी टीवी चैनल की डिबेट के दौरान बीच में बोल पड़े संबित पात्रा। कांग्रेस के नेता बोले, खामोश रहो लल्ला, डोरेमोन की तरह मत करो। जी हां दोस्तों, ये खबर जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इस खबर का वीडियो, और लोग इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा की जमकर के खिंचाई कर रहे हैं। आप लोगों को बताते चलें,
कोरोना वायरस से लड़ने के लिए केंद्र सरकार की आगे की क्या प्लानिंग है, इस मुद्दे पर एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह के बीच काफी तीखी बहस हुई। इस दौरान संबित पात्रा को कांग्रेस के नेता ने डोरेमोन भी कहा और बीच में ना बोलने की भी सलाह दी। यहां पर कांग्रेस के नेता ने संबित पात्रा को, जिसके बाद यहां पर संबित पात्रा का सोशल मीडिया पर काफी मजाक भी उड़ाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने सुशील मोदी के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत, लीगल नोटिस भी भेजा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और लीगल नोटिस भी भेजा है। कांग्रेस ने यह शिकायत सुशील कुमार मोदी के उस आरोप के बाद कराई है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना से लड़ने के लिए विपक्ष ने कोई भी मदद नहीं की है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, सुशील मोदी ने पिछले दिनों ट्वीट कर विपक्ष पर कोरोना के दौरान मदद नहीं करने का आरोप लगाया था। इसके बाद बिहार कांग्रेस ने डिप्टी सीएम सुशील मोदी के आरोपों को गलत बताया और कानूनी नोटिस भेजा। कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि हमने अपना वेतन दिया है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। उन्होंने कहा कि कई और विधायकों ने इस दौरान मदद की है लेकिन सुशील मोदी ने झूठा ट्वीट किया और झूठ फैलाया, ये यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमला किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें कांग्रेस ने सुशील मोदी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी है और लीगल नोटिस भी भेज दिया है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, लॉकडाउन से निकलने की क्या है रणनीति, केंद्र सरकार से पूछिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चार चार मुख्यमंत्रियों को पढ़ाया सियासी पाठ। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, देश में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, हर दिन सैकड़ों की तादाद में लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ रहे हैं। इसके प्रकोप को कम करने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन और कोरोना संकट को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की है। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान मनमोहन सिंह ने चार चार मुख्यमंत्रियों को सियासी पाठ भी पढ़ाया और सरकार से सवाल पूछने को कहा। मनमोहन सिंह ने कहा है कि 17 मई के बाद जो भी रणनीति बनती है उसमें मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो वहीं दोस्तों आगे आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सवाल किया है कि यह तय करने का सरकार का मापदंड क्या है कि लॉकडाउन कितने लंबे समय तक जारी रहेगा। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के मुताबिक सोनिया गांधी ने कहा है कि 17 मई के बाद आखिर क्या, 17 मई के बाद कैसा होगा, भारत सरकार यह तय करने के लिए कौन सा मापदंड अपना रही है कि लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा। बैठक में उनकी बात का समर्थन करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि जैसा कि सोनिया जी ने कहा है कि हमें यह जानने की जरूरत है कि लॉकडाउन 3 के बाद आखिर क्या होगा। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई। तो वहीं एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश बीजेपी विधायक के बाद कानपुर से बीजेपी के सांसद ने भी सीएम योगी से की शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, लॉकडाउन के बीच केंद्र की गाइडलाइन के बाद देश के कई राज्यों में शराब की दुकानें खोली गई। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी शराब की दुकानें खुली हैं जहां लोगों की काफी भीड़ जुट रही है। ऐसे में सूबे में शराब के ठेके खोले जाने को लेकर बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर के बाद कानपुर से बीजेपी के ही सांसद सत्यदेव पचौरी ने विरोध जताते हुए सीएम योगी को पत्र लिखा है। सांसद ने यूपी के रेड जोन वाले इलाके में शराब की बिक्री को बंद करने का अनुरोध किया है। बीजेपी के सांसद पचौरी ने सीएम योगी को लिखे पत्र में कहा है कि लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोले जाने के बाद वहां लोगों की काफी भीड़ जुट रही है। शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना के खिलाफ सरकार की 40 दिनों की मेहनत खराब हो सकती है। ये यहां पर पत्र में लिखा गया है बीजेपी के सांसद की तरफ से, जो पत्र लिखा गया है सीएम योगी को उसमें। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के पूर्व नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का केंद्र सरकार पर जोरदार हमला। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार द्वारा बिहार के जमालपुर में मौजूद रेलवे प्रशिक्षण संस्थान का स्थानांतरित करके उत्तर प्रदेश की राजधानी
लखनऊ में ले जाने का आदेश दिया है। इस आदेश पर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने सवाल उठाया है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए इसकी निंदा की और बिहार को इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कहा है। यशवंत सिन्हा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार ने बिहार के जमालपुर में दशकों पुराने रेलवे प्रशिक्षण संस्थान को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। लॉकडाउन के दौरान ऐसा करना बेहद ही बुरी बात है। बिहार को इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ये यहाँ पर कहा है बीजेपी के पूर्व नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने। और यहाँ पर जोरदार निशाना साधा है केंद्र की मोदी सरकार पर। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों तक, इन खबरों को जरूर पहुंचाइए और लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।